दोस्तों महाकाल मंदिर उज्जैन इधर एंट्री गेट है, और दोस्तों इधर काफ़ी अच्छा नज़ारा था तो वो मैं आपको दिखा चुका हूँ। लेकिन दोस्तों जब आप आगे जाते जाओगे ना तो आपको इस तरीके से कुछ पिक्चर्स देखने के लिए मिलती जाएंगी, जैसे कि दोस्तों अभी आप ये देख सकते हो, और दोस्तों अभी आप ये देख सकते हो कि शिव जी की अभी शादी होके आई हुई है। और दोस्तों अभी यहाँ पर एक कोई दानव टाइप का है, ठीक है, इसको मैं जानता नहीं हूँ, तो आप देख सकते हो। और दोस्तों ये शिव जी की दोस्तों बारात जा रही है, ठीक है। बारात में दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि देवता और दानव दोनों ही गए थे, तो जो दानव हैं तो वो शायद यहाँ पर दिख नहीं रहे हैं, लेकिन देवता यहाँ पर दिख रहे हैं। और दोस्तों जो शिव जी की बारात है तो वो बैल पे गई थी, ठीक है, इसको बैल नहीं कुछ और बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नंदी, हाँ दोस्तों ये नंदी बैल है, ठीक है, तो उस पर इनकी बारात गई थी। और दोस्तों अभी यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि रावण ने शिव जी के पर्वत को उठा लिया था, ठीक है, तो उस टाइम पर शिव जी खुश होकर रावण को कुछ वरदान वगैरह दे देते हैं, ठीक है, तो दोस्तों वो सीन यहाँ पर है। और दोस्तों अब मैं आपको जो सीन दिखा रहा हूँ तो दोस्तों वो है समुद्र मंथन। तो दोस्तों ये देखिए शिव जी ने जहर पी लिया है, ठीक है, जो विष था तो उसका लोटा आप देख सकते हो कि वो पी रहे हैं, ठीक है, और नीचे समुद्र मंथन किया जा रहा है, ठीक है, आप दोस्तों देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर सैलानी काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं जो कि नाइट व्यू का मज़ा ले रहे हैं। और दोस्तों उसके बाद फिर ये यहाँ पर मणिभद्र की है, ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं हर हाथ में एक हथियार, और दोस्तों पीछे सागर है, तो दोस्तों आप इसका भी व्यू देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। पूरा ही मंदिर यहाँ पर ये समझ लो कि अट्रैक्शन का एक सेंटर है, ठीक है। और फिर दोस्तों उसके बाद ये यहाँ पर इस तरीके से एक हरियाली है, तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग इसका यूज कर रहे हैं सेल्फी लेने के लिए, आप देख सकते हैं दोस्तों। और फिर दोस्तों उसके बाद अगर मैं इधर ऊपर दिखाऊँ ना तो दोस्तों आप वो सामने देख रहे हैं ना, वो भारत माता का मंदिर है। और दोस्तों उसके बाद ये इस तरीके से लाइन टू लाइन पॉइंट बनाए गए हैं, अगर कोई श्रद्धालु जो आते हैं वो थक जाते हैं तो यहाँ पर जो ब्रेंच डले हुए हैं तो वो उस पर बैठ सकते हैं। और दोस्तों फिर उसके बाद ये इसी तरीके से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि आपको अट्रैक्ट कर सकती हैं। और दोस्तों ये है महाकाल का मेन एंट्री गेट, अगर आपको दर्शन करने जाना है ना तो दोस्तों आप यहीं से कर सकते हैं। और इसके अंदर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अंदर जाना पड़ेगा, लगभग 500 से 700 मीटर इसके अंदर दोस्तों आपको चलना पड़ेगा, तब जाके जो मेन मंदिर है ना तो वो आएगा। ये तो सिर्फ इसका गेट है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि अभी शाम का टाइम है, आपकी यहाँ पर कितनी भीड़ हो रही है। ये दोस्तों लाइन मैं सुबह लगा था, 1 किलोमीटर ये लाइन लगी थी, ठीक है दोस्तों, 1 किलोमीटर काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उतनी लाइन में सुबह मैं चल के आया था। लेकिन बात ये कि दर्शन काफ़ी ज़्यादा स्पीड में करवा देते हैं, तो ये लाइन भी स्पीड में चल रही है। अगर कोई और मंदिर होता तो दोस्तों वहाँ पर प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा आती, लेकिन यहाँ पर फैसिलिटी कुछ ज़्यादा ही एडवांस लेवल की है। और दोस्तों ये भी लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, देखो यहाँ पर कितने लोग अपना फ़ोटो खींच रहे हैं, यहाँ पर भीड़ हो गई है फ़ोटो खींचने वालों की, काफ़ी ज़्यादा है। देखिए आप, देखो दोस्तों, देखो कितना अच्छा लग रहा है, देखो लाइट यहाँ पे इस तरीके से लगाई गई है कि दोस्तों ये दिन में इतना अच्छा नहीं लगता इतना नाइट में लगता है। और दोस्तों अभी मैं आपको एक गोल चक्कर में अंदर बताऊंगा। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं ना कि ऐसे गोल चक्कर दो है, एक तो ये रहा और दोस्तों एक वो रहा जिसमें चारों साइड पेड़ भी हैं, ठीक है। तो दोस्तों पहले मैं आपको ये वाला दिखा देता हूँ कि इसमें क्या क्या है, इसमें काफ़ी अच्छा लगता है। और दोस्तों मैं आपको फेस अपना इसीलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि अगर मैं आपको अपना फेस दिखाऊँ ना तो काफ़ी सारी चीज़ें नहीं दिखेंगी। गोल चक्कर का दोस्तों लोग कोई ऐसा है, ठीक है, दोस्तों गोल चक्कर का लुक ना ऐसा है, देखो यहाँ पर काफ़ी सारी तस्वीरें लगी हुई हैं, मूर्ति लगी हुई है, तस्वीर बोलना थोड़ा सा सही नहीं रहेगा। अब दोस्तों मैं आपके स्पीड वाले गोल चक्कर में लेके चलता हूँ। और दोस्तों ये हनुमान जी का मंदिर है, प्रेम से बोलो जय हनुमान, देख लीजिए। और दोस्तों शिव जी की जो मंदिर में पूजा हो रही है ना तो वो यहाँ पर लाइव डिस्प्ले पर दिखाया जा रहा है, वो बात अलग है कि फोकस पड़ रहा है तो ये चीज़ें दिख नहीं रही हैं। अब दोस्तों मैं आपको इस वाले गोल चक्कर में लेके चलता हूँ, इसमें काफ़ी ज़्यादा भीड़ है क्योंकि सेल्फी यहाँ पर काफ़ी अच्छी आ जाती है,
पीछे इसमें हरा रहा आ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ की सेल्फी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। सो इसमें मैंने भी अपनी कुछ सेल्फी ली थी। अभी दोस्तों आप देख सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ से पीछे से रोशनी आती है, तो इसमें काफ़ी सारे लोग अपनी सेल्फी लेते हैं। अगर दोस्तों आप भी यहाँ पर आएँ तो या तो आप यहाँ पर सुबह सेल्फी लें, और दोस्तों यहाँ पर आप कभी भी सेल्फी ले सकती हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि इस साइड से फोकस आ रहा है, ठीक है, तो आँखों में अंधेरा हो गया या फिर रोशनी ज़्यादा आ गई। यहाँ पर दोस्तों इसके चारों बगल पेड़ लगे हैं ना, तो सारी चीज़ें कंट्रोल रहती हैं और फोकस भी अच्छा पड़ता है। सेल्फी वगैरह सारी चीज़ें अच्छे तरीके से क्लिक हो जाती हैं। तो दोस्तों यही है, मैं आपको जल्दी से जल्दी इसको दिखा देता हूँ, आप देखिए बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करता है दोस्तों ये, ठीक है, दिन हो या फिर नाइट हो। अभी दोस्तों आप देख सकते हो, और दोस्तों ये जो गोल चक्कर इसीलिए बनाया गया है क्योंकि दोस्तों आप यहाँ पे शिव जी की मूर्ति है, ठीक है। दोस्तों आपने देख लिया ना, एक बार और यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों ये है इसमें, इसीलिए ये गोल चक्कर यहाँ पर बनाया गया है। और भी दोस्तों एक गोल चक्कर वो है, ठीक है, तो दोस्तों उसमें भी शिव जी की मूर्ति है, तीन चार उसमें भी मूर्ति है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ आ रही है, और दोस्तों यहाँ पर मोबाइल चलाना या फिर कैमरा ये अलाउ नहीं है, ठीक है। लेकिन बात ये है दोस्तों, मैं तो ब्लॉगर हूँ और बाकी के यहाँ पर सब लोग कोई घर पर वीडियो कॉलिंग कर रहा है या फिर कोई वीडियो बना रहा है, कोई फ़ोटो खींच रहा है, ठीक है। तो दोस्तों इन चीज़ों का मुझे सही पता नहीं है कि वीडियो बनाना भी चाहिए या फिर नहीं बनाना चाहिए, या फिर मैंने जो बनाया है और मैं इसको अपलोड करूँगा तो दोस्तों वो सही रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है। फिर भी दोस्तों मैं राम भरोसे है, ठीक है, मैं कर दूँगा। अभी मैंने आपको जो भी दिखाया था, ठीक है, तो दोस्तों वो भारत जैसी भूमि पर पाया जाता है, इसीलिए दोस्तों यहाँ पर ये भारत माता का मंदिर भी बनाया गया है। तो दोस्तों ये हमारी भारत माता, आप दोस्तों देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी आप सब लोग बोल दीजिए जय भारत माता की।